हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में चलिए कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जानते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इज दिस द वे यू टॉक। सेकेंड सेंटेंस है, अब उसे मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं है, नाउ इट्स नो यूज बटरिंग हर। अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, नाउ इट्स नो यूज टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसो। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट लाफ मोर देन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, इन माई प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू यू। समय हर घाव भर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो सेंटेंस है, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। दूसरा है, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा। तो हमें इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। बुरा सपना को इंग्लिश में बोलते हैं नाइटमेयर। क्या आपको अच्छी नींद आई? डिड यू स्लीप वेल? या तो सचमुच अच्छी खबर है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज इंडीड गुड न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है, आते हुए एक पैकेट दूध ले आना। तो देखिए, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो लाना, लाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिंग। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग, राइट। अगर आपको बोलना है घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, तो आप बोलोगे, ब्रिंग अ केजी ऑफ सुगर वाइल कमिंग होम। क्या तुमने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन घोस्ट? या फिर आपको बोलना है, क्या तुमने कभी उससे बात की है? हैव यू एवर टॉक टू हर? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे सारी खबर देते रहो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, कीप मी अपडेटेड। या इसे हम बोल सकते हैं, कीप मी इन द लूप। अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस अप टू यू। या फिर Keep your advice to yourself. Next sentence है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? Do you find it funny? Next sentence है, फिर कभी चलते हैं, आज मैं व्यस्त हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, Let's go any other time. Today I am busy. Next sentence है, मुझे बहुत बातें करनी है। I have a lot to talk about. Next sentence है, तुम तो बड़े झूठे निकले। You turned out to be a liar. तुम तो बड़े चालू निकले। You turned out to be so clever. Next sentence है, देखिए जब भी आपको बोलना है ना, मुझे क्या पता था, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, little did I know. जैसे अगर आपको बोलना है, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, little did I know that you would not come. Next sentence, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है, little did I know that he was telling a lie. नेक्स्ट है, मुझे जाना पड़ेगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल हैव टू गो। देखिए जब भी आपको बोलना है ना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, तो आप विल हैव का यूज़ करोगे। जैसे तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, शी गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली। शायद वह बुरा मान गई, मे बी शी गॉट ऑफेंडेड। ऐसा मत करो, वो बुरा मान जाएंगे, डोंट डू डैट, दे विल गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। मुझे उससे डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम।
मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ घोस्ट। चलिए आज के वीडियो का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। तो हम इसे बोलेंगे, इफ पॉसिबल कॉल मी।